जय सियाराम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कोर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है संकेंद्री, कॉन्सेंट्रिक मतलब संकेंद्री, मतलब जिसका केंद्र एक हो और उस केंद्र से हमको दो गोले बनाना है, संकेंद्री का मतलब। जैसे मान लो सुइया की नोक यहाँ रखे तो पहले 3 फैला के एक छोटा सा गोला बनाएंगे 3 सेंटीमीटर का, फिर यही पास सुइया की नोक रख के 5 का नाप के एक गोला और घुमा देंगे, ऐसा गोला बना लेना अच्छे से, ठीक। अब ठीक, अब इन दोनों गोलों में पहली जो त्रिज्या है ये वाली, ये कितनी है 3 की है, कितने की है 3 सेंटीमीटर, यहां से लाइन खींचना पड़ेगा, और ये त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, और यहां से संपर्क करती हुई एक रेखा है, इसको हिंदी में कहते हैं जीवा और इसको इंग्लिश में कहते हैं कोर्ड, ठीक। अब इसी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, तो अगर यहां से ये 3 है और ये 5 सेंटीमीटर है, मान लो ओ ए बी सी मान लेते हैं, समझ में आई, इसी को क्या कहते हैं जीवा। अब सीधी बात है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। जहां कहीं आपको ऐसा दिखाई दे दे आप सीधे उठा के पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ठीक। तो इसमें दिया है, लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं, यहां हल लिख लेना, हल दिया है। क्या दिया है, ओ ए बराबर, चित्र के अनुसार ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से मतलब बाई पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितनी है 5, आधार हमको फाइंड करना है मतलब एबी का स्क्वायर, लंब कितना है 3, पचम 25 एबी का स्क्वायर प्लस 3 त्रिकाई 9, तो 25 ये प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा एबी का स्क्वायर, 25 में 9 घट गया कितना आया 16 एबी का स्क्वायर। जब किसी संख्या का स्क्वायर हटता है तो वो बगल वाली संख्या अंडर रूट में आ जाती है, तो एबी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब चूंकि लिखा है कि चित्र में देखोगे आप है ना, ओसी मतलब सॉरी ओबी जो है लंब है एसी पर, ओबी लंब है एसी पर, मतलब कि यहां हम ये कह सकते हैं कि ओबी एसी का समद्विभाजक है, ठीक। क्या है, ओबी एसी का समद्विभाजक है,
तो जब ए बी की लंबाई 4 है तो हम पूरी ए सी की लंबाई, तो हम लिख सकते हैं कि ए सी बराबर 2 ए बी। जो ए सी है वो ए बी प्लस ए मतलब बी सी से मिलकर बनेगी, तो ए बी बराबर बी सी है, यहाँ ए बी बराबर बी सी हो गया, ये ध्यान रखना। तो ए सी बराबर आपका हो जाएगा, ए बी का मान आया 4, तो ए सी बराबर आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। समझ में आई बात, इस तरह करना है, ठीक है। मतलब इसमें कुछ नहीं है, इसमें जानकारी रखना कि जीवा क्या है। जीवा जो मतलब ये जीवा रेखा हो गई, इसी को कोण बोलते हैं, और संकेंद्री मतलब एक ही केंद्र से बनाना है अपने को, तो पहले 3 का माप लेके खींचना, या सुइया की नोक रख लेना, पेंसिल 3 फैला के पटरी से इसे नाप के 3 गोला मारे, फिर स्केल में 5 फैला के फिर गोला मारेंगे, ठीक है। गोला मारने के बाद सीधे निकाल लेंगे, ठीक। और जहां कहीं मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 90 डिग्री का कोण दिखाई दे, वहां आंखें मूंद के आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, सवाल निकल जाए, ठीक है। अब 9वां नंबर देखो, सॉरी 8वां नंबर, अब आगे 8वां नंबर ये देखते हैं। प्रश्न नंबर, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 में सिद्ध कीजिए कि एबी प्लस सीडी बराबर एडी प्लस बीसी। ये चित्र बना है, किताब में 10.12 लिखा है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, देखेंगे आ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सी फिगर 10.12 प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी, ठीक। तो सर्कमस्क्राइब मतलब होता है परिगत, मतलब बाहर चतुर्भुज बने अंदर वृत्त बने, उसको बोलते हैं परिगत वृत्त, है ना। अब इसमें आपको दो चीज समझनी है कि देखिए पहले समझते हैं फिर लगाते हैं। ये किसी जैसे मान लो एक जानकारी और है, जैसे ये कोई सर्कल हो गया, अगर बिंदु बाहर है तो इससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर बिंदु अंदर स्थित है तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, ठीक है। अगर बिंदु वृत्त के केंद्र पर स्थित है तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? बिंदु अगर वृत्त के बाहर स्थित है तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। और बाह्य बिंदु से किसी मतलब वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। तो जैसे देखो जितना ए से एस होगा उतना एपी होगा, मतलब ए एस बराबर एपी, फिर ऐसे डी एस बराबर डी आर, फिर सी आर इक्वल क्यू सी, और बी पी इक्वल बी क्यू। बात समझ में आई? मतलब ये बिंदु हो गया, इससे एक स्पर्श रेखा ए एस गई, एक गई ए पी, ऐसे सब बिंदु में से लगा लोगे आप, दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी। बात समझ में आ गई? अब ये समझ में आ गया तो आपसे बन जाएगा। अब इसमें लिखना क्या है कि दिया है, पहले हल लिख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले सॉल्व लिखेंगे। कि वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी है, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे आ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सरकम्स क्राइब क्राइबिंग सरकम्स क्राइबिंग्स आ सर्कल,
सरकम्स मतलब सरकम्स हाँ सरकम स्क्राइब सरकम्स सरकम स्क्राइब स्क्राइबिंग कर सकते हो सर्कल ठीक है वृत्त के परिगत है। हमको प्रूफ क्या करना है सिद्ध करना है भाई मजेदार सवाल थोड़ा समझना है ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी। अब यहां से हम चलते हैं व्युत्पत्ति पे मतलब प्रूफ पे चलते हैं। अब समझना मैंने क्या कहा कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले लिख लेते हैं बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं लिखोगे तब तक गड़बड़ आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे द लेंथ ऑफ ऑफ टू टेंजेंट्स लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एन एक्सटर्नल पॉइंट टर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक ये समरी में दिया है इसका उपयोग करना है लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक अब ये समझ में हमारे आ गया। अब इस हिसाब से देखना अब हाँ ये दिमाग जरूर लगाना है कि पक्ष देख लेना कि ए बी सी डी किधर है ए डी बी सी किधर है सब आ जाएंगे। ठीक है तो हम अब जैसे देखो एपी बराबर लिखते हैं बराबर ए एस इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक एपी बराबर ए एस क्यों ऐसा किए क्योंकि अगर ए बी बनेगा तो एपी प्लस पी बी जुड़ के बनेगा है ना और हमको अगर ए डी बनाना है तो ए एस और सी डी जोड़ मतलब एस डी एस जोड़ेंगे तब ए डी बनेगा। ये पक्ष का ध्यान रखना है ना तो एपी मतलब अब हमको बीपी भी इधर रखना पड़ेगा तो बीपी बराबर बी क्यू बात समझ में आ रही ना बीपी बराबर बी क्यू मतलब ये एक भुजा बन गई एपी और बीपी मिलके एपी और बीपी मिलके ए बी बन जाएगा ए बी हमको चाहिए ये दिमाग में रख लेना है। तो ये दूसरा समीकरण हो गया। अब यहां से सी से चलते हैं तो देखो हमको बी सी अगर चाहिए तो सी क्यू और बी क्यू एक लाइन में होना चाहिए तो इसे भी समझ में आ रहा किधर सी क्यू लिख दें और किधर सी आर लिख दें भाई बी क्यू के साइड में सी क्यू होना चाहिए तब हमारा क्या बनेगा बी सी बनेगा हमको जो चाहिए। ये तीसरा हो गया। अब चौथा नंबर देखो हमको क्या चाहिए डी आर और डी एस तो डी एस को ए एस की साइड में रखना है डी एस को ए एस की साइड में रखोगे तो जुड़ पाएगा तो डी आर इक्वल डी एस ये हो गया आपका फोर। बस इतना ध्यान रख लेना बाकी सवाल बहुत आसान है। अब देखो तो सभी को जोड़ने पर आपस में इतना जो समझ में आ गया हो तो इसको मिटा दूं। देखो फिर समझ लो दिया है कि वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी है ना आ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सरकम्स क्राइबिंग अ सर्कल ए बी प्लस सी डी ये तो तुम्हारी किताबें में दिया है यहीं पास में लिखे देता हूं इसके आगे का। तो अब समझना
ठीक है। अब देखो समीकरण एक दो तीन और चार को जोड़ने पर, चार को जोड़ने पर, एडिंग एड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, बस अब सबको जोड़ दो, ए पी प्लस बी एक पक्ष के सबको लेके, सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू हो गया, लिख लो कहीं भी फिर जुड़ जाएगा, सी क्यू प्लस डी एस। अब बात समझना, एपी में बीपी जोड़ना है, एपी में बीपी जोड़ देंगे तो पूरी रेखा क्या बन जाएगी, ए बी बन जाएगी, और सी आर में अगर डी आर जोड़ दें, सी आर में डी आर जोड़ दें तो सी डी बन जाएगी। अब ए एस में क्या जुड़ जाएगा, डी एस, डी एस है तो ए एस में डी एस अगर जोड़ दें तो ए डी बन जाएगा, और बी क्यू में सी क्यू जोड़ दें, बी क्यू में सी क्यू जोड़ दें तो बी सी बन जाएगा। आपका सिद्ध हो गया ये, प्रूव दैट। ठीक, मतलब अगर आपसे ये कॉन्सेप्ट आते हैं, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना, और ये द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, बस बात खत्म। इससे आपसे बिल्कुल एकदम इजी बेस में बन जाएगा, इसीलिए मैंने छोटे छोटे चित्र बना के बताए कि कैसे कैसे आपका, है ना, तो इस तरह है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी डी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ये डायग्राम बना है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा देख लेंगे। कहता है कि इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स एक्स डैश वाई डैश एट बी, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल 90 डिग्री। अब इसमें देखो साफ लिखा है कि एक्स वाई और एक्स कामा वाई कामा वाई डैश, है ना, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, मतलब समांतर भी हैं और स्पर्श रेखा भी है, और इसमें जो ए बी है वो स्पर्श रेखा का काम कर रही है। यहां लिखेंगे हम हल नंबर कि दिया है एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश और वाई डैश तथा ए बी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखाएं हैं, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं कि एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश एंड ए बी आर टेंजेंट लाइन लाइंस, ठीक है। अब एक चीज और समझो, अगर हमको दिया गया कोण मतलब पूरे सर्कल में हो, है ना, यहां से देखो, यहां से जो हमको सिद्ध करना है ए ओ बी, तो बिना उसको दो पार्ट में तुम, हाँ,
और वो त्रिभुज बाहर की तरफ हो, वो एंगल स्पर्श रेखा मतलब त्रिभुज जो है बाहर की तरफ हो, तो उस त्रिभुज को आप बिना दो भाग में बांटे सिद्ध नहीं कर सकते, दो भाग में आपको बांटना ही पड़ेगा, है ना। तो इसमें एक रचना करनी पड़ेगी हमको कि ओ से हम सी को मिला दें, क्या करना है, ओ से सी को मिलाया, इसमें एक रचना भी लिखनी पड़ेगी आपको, कंस्ट्रक्शन, ओ से सी को मिलाया, ज्वाइन ओ एंड सी, दोनों को मिला दिया, ठीक, रचना अपनी पूरी हो गई। अब रचना के बाद कहता है कि इसको हाँ, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी और बी पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसके बाद अब यहां प्रेम से देखें तो एंगल पी ओ ए, पहले एक खंड को देखते हैं, इसको छोड़ दो, पी ओ ए और देखोगे ओ ए या ओ ए सी, दो त्रिभुज इसमें बन रहे हैं, या सी ओ ए कह सकते हो, बात समझ रहे हो, पी ओ ए या सी ओ ए या ए ओ सी कुछ भी ले सकते हो, दो भाग में उसको बांटना है, दो त्रिभुज हमको लेना है। तो इसमें लेते हैं कि त्रिभुज पी ओ ए तथा त्रिभुज सी ओ ए, ऐसे ले लो पी ओ ए और सी ओ ए। अब देखो ओ ए ओ ए, ओ ए इक्वल ओ ए, ये आपका हो गया उभयनिष्ठ, इंग्लिश मीडियम बाय लिखेंगे कॉमन, यहां कॉमन। अब गौर से देखो कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो बना कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, है ना। तो अब देखो जैसे यहां से ये वृत्त का केंद्र हो गया तो ओपी भी त्रिज्या हुई, तो ओसी भी त्रिज्या हुई कि नहीं हुई, तो ओपी बराबर ओसी त्रिज्याएं, मतलब इंग्लिश वाले क्या लिख देंगे, रेडियस, ठीक। अब तीसरा उसमें वैल्यू निकालना है अगर आपको, तो अब देखो स्पर्श रेखा क्या क्या है, तो एक स्पर्श रेखा एपी है और एसी है, तो एपी बराबर एसी, ये स्पर्श रेखाएं किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, अभी हमने पढ़ा स्पर्श रेखा, इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे टेंजेंट्स लाइन, टेंजेंट लाइन। अब तीनों साइड है तो साइड 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, तो ये त्रिभुज पी ओ ए सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ ए, इतना हम सिद्ध कर दिए कि पी ओ ए और सी ओ ए सर्वांग सम है, बराबर है, है ना, पी ओ ए। अब इसी प्रकार देखो, अब इन एंगल को अगर बांटना चाहो इसको, तो एंगल एक, एंगल दो, एंगल तीन, एंगल चार, चार एंगल में बांट लो, तो अपने को यह भी मिल जाएगा कि एंगल एक बराबर एंगल दो बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, बात समझ में आ रही, तब ना कोण का, हमको कोण मापना है तो उसको कोण हम बना लेते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार हम देखो अगर नीचे चलें, तो नीचे अब ऊपर वाला भाग मान लो नहीं है, तो हमारे पास बी ओ सी या सी ओ बी और क्यू ओ सी, है ना, क्यू ओ सी, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे कि नहीं होंगे, देखना यहां, जिसे हमने लिया था ना यहां से पी ओ ए, पी ओ ए, तो हमने लिया क्यू ओ बी, ऐसा लेना पड़ेगा, सॉरी क्यू ओ बी और सी ओ बी, तो इसी तरह, इसी तरह त्रिभुज क्यू ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ बी में,
सी ओ बी और क्यू ओ बी, तो एंगल तीन बराबर एंगल चार ए बी बाई सी पी सी टी बराबर हो गए। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसी तरह इसे लिख लीजिए, यहां लिख देंगे सिमिलरली, सिमिलरली इंग्लिश मीडियम वाले इसी तरह। अब आगे देखो, जब एंगल सब बराबर हो गए तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल एक प्लस एंगल दो प्लस एंगल तीन प्लस एंगल चार ये सरल रेखा का कोण हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे कि एंगल एक प्लस एंगल दो प्लस एंगल तीन प्लस एंगल चार बराबर 180, यहां लिख देंगे सरल रेखा, सरल रेखा, रेखा। ठीक, स्ट्रेट लाइन। अब देखो, चूंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो देखो ना हमको काम किससे है, ये दिमाग लगाना है, हमको क्या लेना है, ए ओ बी एंगल दो और एंगल तीन से काम है, हमको एंगल दो और एंगल तीन से काम है। तो हम एंगल एक की जगह एंगल दो, यहां भी एंगल दो, तीन को अगर मिटा देंगे तो दूसरा आंकड़ा आ जाएगा, तो बराबर कितना हो गया 180, क्योंकि दो और तीन को हमको जीवित रखना है, एक दो एक चार को दूसरे में कन्वर्ट कर दो, तो टू एंगल टू प्लस टू एंगल थ्री बराबर 180 डिग्री। अब मैं इसको इधर लगा दूं, ये तो सब समझ गए होंगे क्वेश्चन है ना, यहां से लगा देता हूं, देखना, तो दोनों का तरफ दो है इसलिए दो क्या हो जाएगा कॉमन, तो एंगल ए एंगल यहां दो, तो टू प्लस एंगल थ्री अंदर बचा बराबर कितना हो गया ये 180, तो एंगल दो प्लस एंगल तीन बराबर 180 बटे दो, काट दिए 90 डिग्री। ठीक, तो एंगल दो प्लस एंगल तीन बराबर 90 डिग्री, और एंगल दो और एंगल तीन मिलके ए ओ बी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, यहां लिख देंगे कि एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, यही हमको प्रूफ करना था इति सिद्धम। ठीक, तो समझ में आई ना बात। फिर एक बात समझ लो कि अगर वृत्त बाहर की तरफ, सॉरी त्रिभुज वृत्त के बाहर हो, त्रिभुज वृत्त के बाहर हो तो उसमें अगर आपको सिद्ध करना हो तो बिना उसको आधा किए आप सिद्ध नहीं कर सकते, तो इसमें रचना करनी पड़ेगी, ओ और सी को मिलाया, बाकी इसमें पी ओ ए सी ओ ए ऊपर का एंगल ले लो और यहां से क्यू ओ बी और सी ओ बी ये सिमिलरली में सिद्ध हो जाएंगे, तो एंगल एक एंगल दो ये सब सिद्ध हैं, आप सीधे सीधे निकाल दो, बात खत्म हो जाए। ठीक, तो सिद्ध होता है कि एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, बात समझ में आ रही ना, अब समझ में आता होगा एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो अब बाकी वीडियो अगले वाले में है ना, वीडियो में, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, इसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत।